देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार एक आदमी अपनी बारात लेकर लड़की के घर पर जाता है और उसे शादी करके उसे अपने घर के दरवाजे तक लेकर आता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में ये सारी परंपराएं बदल जाएंगी। सब कुछ अपने आप में इतना ज़्यादा परिवर्तन करेगा कि कोई भी समझ पाने में नाकाम रहेगा। लेकिन जब बात भूतकाल की हो तो एक कहानी ऐसी भी है जिसने इन परंपराओं के अंदर ऐसे विघ्न डाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। अर्जुन की बारात सिंगापुर, जो एक विशाल गांव है, उसी गांव की तरफ रवाना हुई। गाँव का नाम आसपास भी काफ़ी मशहूर था। कुछ लोगों का कहना था कि यह गांव इतना ज़्यादा शांत प्रिय था कि लोगों को इस गांव से सीख लेनी पड़ती है। लेकिन आजकल अच्छाई का नामो निशान तक नहीं रहता। बारात रवाना हुई तो लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। बैंड बाजे से बारात को रवाना किया गया और बारात में अच्छी खासी भीड़ भी थी। कुछ लोगों ने बारात में पहले से ही विघ्न डालने की सोच रखी थी। दरअसल ये वो लोग थे जो अर्जुन के माता पिता से काफ़ी ज़्यादा चलते थे और साथ ही घृणा भी करते थे। बारात रवाना हुई तो लोगों में उत्साह की तो कमी नहीं थी, मगर सिंगापुर गांव के बारे में सोचकर लोगों का माथा खिसक रहा था, क्योंकि कुछ लोग उस गांव को नेगेटिव एनर्जी से भी देखते थे। दरअसल कुछ लोगों की नकारात्मक सोच इस प्रकार बनी हुई थी कि उन्हें लगता था कि उस गांव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने जाने वाले लोगों को बेहद हताश और परेशान करती हैं। जीवा और नवीन काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इस बारात को सजाने का काम बिंदास अंदाज में कर रहे थे। उनकी गाड़ी इस वक्त सबसे आगे चल रही थी। ये बात साल 2017 की है, यानी कि साल 2017 में जहां लोग आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके होते हैं, यानी कि गाड़ियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। सिंगापुर गांव बारातियों से तकरीबन 123 किलोमीटर दूर था। तभी जीवा ने अपनी गाड़ी के अंदर पटाखों के साथ साथ बियर की बोतलें भी रखी हुई थी। जीवा और नवीन दोनों एक गाड़ी में बैठे थे, बाकी उन्होंने किसी को भी इस गाड़ी में दखल नहीं लेने दिया, क्योंकि अर्जुन का कहना था कि बारात में सिर्फ एक ही गाड़ी ऐसी होगी जिसके अंदर दो लोग सफ़र करेंगे और उनमें जीवा और नवीन को मुख्य तौर पर चुना गया था। ऐसा ही हुआ। दोनों दोस्त गाड़ी के सबसे आगे चल रहे थे और इसी बीच लोगों में शराब की बोतलें बांटने के कारण उन्हें गाड़ी को रोकना पड़ा। कुछ दोस्तों की जिद की वजह से वो गाड़ी को कुछ आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए और बगल में ही रोककर उन सभी का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा वक्त गवा दिया कि उन्हें आधे घंटे के लिए सड़क के बगल में रुकना पड़ा। फिर जब उनके दोस्त उनके पास पहुँचे तो इस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और अंधेरा भी पूरी तरह से छाया हुआ था। सारी गाड़ियाँ गुजर चुकी थी। जीवा और नवीन सभी को नशे की बोतलें बांटने लगे। लेकिन बाद में जब तक वो बारात वाले गांव में पहुँचे तो उन्हें 10:30 बज चुके थे। जब जीवा और नवीन की गाड़ी सिंगापुर गांव में प्रवेश करने लगी तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि सच में ये गांव बड़ा ही विचित्र है, चाहे यहाँ का माहौल हो या फिर यहाँ का रहन सहन। उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और उन्होंने फैशन से अपने पूरे गांव को सजा के रखा था। ऐसा लग रहा था मानो कि ये गांव आधुनिकता में जी रहा हो। जब नवीन और जीवा अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो पहले से ही वहाँ पर लाल रंग की लंबी लंबी चादर बिछी हुई थी। ये देखकर सच में वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने इतना जोरदार स्वागत पहली बार देखा था। दूर से उस घर की रोशनी साफ साफ झलक रही थी जहाँ बारात पधारने वाले थे, और इतना शानदार स्वागत आज से पहले जीवा और नवीन ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जीवा और उसका दोस्त नवीन ऐसा गांव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। अभी तो वो दोनों बैंड बाजे से थोड़ी दूरी पर थे कि तभी उनके बगल से उन्हें अजीब सी आवाज़ का एहसास, और उन्हें ऐसा लगा कि उनके अगल बगल में किसी के कटकट की आवाज़ आ रही है। इस समय वो सबसे पीछे थे और साथ ही चारों तरफ कोई गाड़ी वाला भी नहीं था जो उन पर निगरानी रख सके। दोनों दोस्तों को जहाँ सबसे आगे होना चाहिए था तो वो अभी भी सबसे पीछे घूम रहे थे, और इतने में उन्हें एक शोर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही जब उन्होंने अपनी नज़रों को घुमाया तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में जोर की आग चल रही थी।
इस प्रचंड अग्नि का तेज इतना था कि उन दोनों की आंखें बंद होने लगी और उसी दौरान उन्हें किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा मानो अभी अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया हो। इस तेज तर्रार आवाज़ के बाद दोनों के होश उड़ गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने उस अग्नि के आर पार देखा तो उन्होंने पाया कि एक मासूम औरत अपने हाथ में एक बच्चे लिए खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें देखकर सच में बेहद आश्चर्य हुआ। दरअसल उन सभी के हाथ और पैर उखड़े हुए थे, दिखने में वो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे और वाकई ये नज़ारा बड़ा ही डरावना था। दोनों दोस्तों के हाथ और पैर अब फूल चुके थे। उन्होंने तुरंत एक लंबी दौड़ लगाई और भागने लगे। वो भागते हुए अब तक काफ़ी दूर आ चुके थे। उनकी गाड़ी अभी भी एक जगह पर स्थिर खड़ी थी और इस वक्त उन्हें अपनी गाड़ी ही नहीं बल्कि खुद की जिंदगी की चिंता थी कि कहीं वो दोनों किसी बुरी शक्ति के साए में ना फंस जाएं। कहते हैं जब मौत पीछा करती है तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, और उन दोनों को ऐसा एहसास हो रहा था कि वो एक अच्छी खासी दौड़ लगाने के बावजूद भी वहाँ तक पहुँच पाने में नाकाम है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो उस तरफ दौड़ रहे हैं तो उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन था, ऐसा भी हो सकता था। फिर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई उन्हें आवाज़ देते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहा है। दोनों दोस्त बुरी तरह से हाँफ रहे थे और जिस कारण अब उन दोनों के अंदर वो साहस भी नहीं था कि वो कुछ पल और आगे दौड़ सके। उनकी सारी की सारी फुर्ती अब ख़त्म हो चुकी थी, और इंसान जब हद से ज़्यादा दौड़ कर ले तो उसकी दशा मरने जैसी हो जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। अपनी समस्त काबिलियत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो इस मंजिल को पार नहीं कर पाए जो उन्हें बिल्कुल सामने की तरफ नज़र आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने किस गांव के अंदर कदम रखा है। एक ऐसा बड़ा बलवान जानवर जिसकी भुजाएं बहुत मोटी मोटी और बहुत ही ज़्यादा विशाल थी, उसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान से दो गुना ज़्यादा थी, और ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान था कि असलियत में ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। और शायद ये कोई जानवर भी नहीं, क्योंकि इसके लंबे लंबे हाथ इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर रहे थे। उस भयानक जीव ने अपने एक ही वार से सब कुछ तहस नहस कर डाला। उसके पहले कदम से मिट्टी इधर से उधर उड़ने लगी, सब कुछ मानो किसी आंधी में बहने लगा। उस गांव की ये सच्चाई देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी आंखों के सामने धूल का एक तूफान सा उड़ने लगा, और अब उन्हें एहसास हो रहा था मानो आज साक्षात उनकी मौत उनके सामने खड़ी है, क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी भी इस तरीके के जानवर से सामना नहीं किया, और अब तो ये साफ हो चुका था कि उनके सामने खड़ा ये विशाल सा दानव असल में कोई इंसान नहीं है बल्कि एक भयानक हैवान है जो इन्हें कभी भी चोट पहुंचाने के उद्देश्य से इन पर हमला कर सकता है। उस जानवर ने अपनी घिनौनी हरकतों से उन दोनों दोस्तों को हताश कर रखा था। दोनों की हालत पतली पड़ने लगी, लेकिन इसी बीच कुछ लोग भागते हुए उनके पास पहुँचे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के लोग थे। उन्होंने उस भयंकर से दिखने वाले जानवर के सामने हाथ जोड़ लिए, और फिर अचानक ही वो वहां से गायब हो गया। ये प्रस्तुत नज़ारा देखकर उन दोनों की समझ से भी सब कुछ बाहर था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उस गांव के लोगों ने उनसे कुछ भी ना पूछने को भी कहा। दरअसल उन गाँव के लोगों का कहना था कि यह एक ऐसा अप्रतिम रहस्य है जिसे सबके सामने खोलना एक घोर पाप है, और इस पाप को जन्म देना उन गांव वालों को कतई बर्दाश्त नहीं होता, जिस कारण ये रहस्य सिर्फ रहस्य बना रहेगा। दोस्तों आज इस कहानी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि अंततः उस गांव में वो जानवर कौन था और उसके असीमित शक्तियां नवीन और उसके दोस्त को आघात क्यों पहुँचाती। कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि उस गांव के अंदर उस राक्षस का साया मंडराता है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता कि आखिर वो राक्षस है या फिर कोई देवता। जो लोग उसे राक्षस का ठहरावा देते हैं उनका कहना है कि उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस गांव के लोग अमूमन उसकी पूजा करते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि आज तक वो राक्षस किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो सिर्फ अपने आप को भगवान मानता है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है इस बात से कोई भी रूबरू नहीं है।
न ही उस गांव की बेटियों को इस बारे में चर्चित किया जाता है और न ही आने वाली पीढ़ी को इस बात के बारे में कुछ बताया जाता है। तो उसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता कि आखिर सिंगापुर गांव इतना शांतिप्रिय होने के बावजूद भी इतना रहस्यमय क्यों है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।